हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो, आप लोग का होने वाला है प्रैक्टिकल। आगरा यूनिवर्सिटी का, अवध यूनिवर्सिटी, सभी का जो है प्रैक्टिकल होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो है आज ये मैं वीडियो लेकर आई हूं। RMPSU का प्रैक्टिकल हो चुका है बीएड फर्स्ट ईयर का, तो उन स्टूडेंट से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, आज जो है हम अपने एक स्टूडेंट से आपकी बात करवाएंगे, उनसे हम क्वेश्चन करेंगे और उनसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो आज जो हमारे साथ हमारे स्टूडेंट है, वो उनका नाम है अजय, और अजय जो है RMPSU के स्टूडेंट है। उन्होंने 1 अक्टूबर को उन लोग का प्रैक्टिकल हुआ है और उन्होंने जो है प्रैक्टिकल अटेंड किया। उनसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, आइए देखते हैं। हेलो, नमस्ते। हाँ नमस्ते अजय। अजय, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आपका प्रैक्टिकल जो हुआ वो किस तरह से हुआ, प्रैक्टिकल में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसका आप आंसर करो। मैम, ज्यादातर केसेस में क्या है कि इंटर से फाइल उन्होंने हमारी चेक की थी और इंटर से फाइल में से क्वेश्चन उन्होंने पुटअप किया था कि आपने जिस स्कूल में इंटर से किया है उस स्कूल का नाम क्या है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मैम ये था कि आपने जिस स्कूल में इंटर से किया है उसके प्रिंसिपल का क्या नाम था। ओके, वहां पर नंबर ऑफ फैकल्टी कितनी थी, अगर आप वहां पर गए तो आपने वहां जाके क्या सीखा। तो अजय, देखा जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे जो है इंटर्नशिप से पूछा गया है ना। जी मैम, ज्यादातर इंटरशिप से था, उसके बाद पेपर नंबर 102 से था थोड़ा बहुत क्वेश्चन, जैसे कि यथार्थवाद क्या है, प्रकृतिवाद क्या है, नेचुरलवाद क्या है, ये सब। थैंक यू सो मच अजय, आपके इस शेयरिंग से आगरा स्टूडेंट को बहुत बेनिफिट होने वाला। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि अजय ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर किया। जैसे आपने देखा कि अजय से जो है सिर्फ इंटर्नशिप से क्वेश्चन पूछा गया है और वहाँ पे और जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मैक्सिमम 102 पेपर यानी कंटेम्प्रेरी से क्वेश्चन पूछा गया। इसका ये मतलब है कि पूरा डिपेंड करता है एक्सटर्नल पे। एक्सटर्नल चाहे तो आपसे चाइल्डहुड का, कंटेम्प्रेरी का, लर्निंग टीचिंग का, जो आप फाइल बना करके ले गए हो उसमें से कुछ पूछ सकता है, आपके इंटर्नशिप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जब भी आप प्रैक्टिकल के लिए जाए तो इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में लेकर के जाएं, ताकि वो कोई क्वेश्चन पूछे तो आप इजीली जो है आंसर कर पाओ। और एक और चीज, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता नहीं है। एक क्वेश्चन का आप आंसर नहीं दे पा रहे तो सॉरी सर बोल सकते हो, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग का प्रैक्टिकल अच्छा जाएगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज या क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस।